हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मनुष्य में श्वसन यानी हमारे अंदर किस प्रकार से श्वसन क्रिया होती है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है तो इसको फटाफट से क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो हमारी संरचना है कुछ इस प्रकार से होती है, और यहाँ पर ये जो है ऊपर का सिर, यहाँ पर नाक से स्टार्ट हो जाती है ये क्रिया। तो जैसे हम नाक द्वारा वायु ग्रहण करते हैं, है ना, ऑक्सीजन लेते हैं, O2 प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर नसा द्वारा जो वायु है अंदर चली जाती है, फिर नसा मार्ग द्वारा ग्रसनी में चली जाती है वायु। तो जो नसा मार्ग है और इसमें पाया जाता है नसा कपाट, जो कि नाक में चिपचिपा सा पदार्थ जो है एक तरीके बनाता है। तो आपने जब नाक में देखा होगा तो चिपचिपा सा रहती है हमारी जो नाक है उसके अंदर देखें तो। अब ये जो नसा मार्ग है और इसमें ये कुछ इस प्रकार से संरचना होती है इसकी, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी ऐसी। तो ये ऐसी ऐसी इसलिए होती है जो कि वायु आती है, वायु के साथ साथ कुछ कण भी आ जाते हैं, कण हुआ, कुछ ऐसे पदार्थ हुए जो भी, वो भी आ जाते हैं वायु के साथ में, है ना, छोटे छोटे। तो क्या होता है, जो कण है ऐसे टकरा जाते हैं इससे, तो जो कण है वो हिम पर रह जाते हैं। अब वायु तो है विरल है एकदम, तो विरल होने के कारण क्या होती है, वो इससे टकराती है फिर भी अंदर चली जाती है इस प्रकार से। लेकिन जो कण है, जैसे कि ये इस प्रकार से मार्ग है नसा मार्ग, तो उसमें जब जो कण है यहाँ पर टकरा जाते हैं, लेकिन कण यहीं पर रह जाते हैं और जो वायु है वो अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से फिल्टर का कार्य करती है जो टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है नसा मार्ग में, वो फिल्टर का कार्य करती है वायु का। तो वायु बहुत अच्छे से फिल्टर होकर जाती है हमारे फेफड़ों के अंदर। तो उसके बाद देखिए ग्रसनी में आ जाती है। ग्रसनी के बाद जो ग्रसनी में एक होता है ढक्कन टाइप का होता है ग्रसनी, उसमें दो नली जुड़ी होती हैं, एक आहार नली और एक श्वास नली। जब जैसे कि अगर हम भोजन कर रहे हैं तो श्वास नली जो है उसका ढक्कन बंद कर देती है ग्रसनी द्वारा, और फिर भोजन हमारे आहार नाल द्वारा पहुंच जाता है। अब जब हम सांस ले रहे हैं तो फिर सांस का जो आहार नाल है उसको बंद कर देती है, तो फिर उसके बाद इसमें आ जाते हैं श्वास नली में। और जो ढक्कन टाइप का होता है उसको बोलते हैं हम एपिग्लोस्टिक। तो ग्रसनी में जाने के बाद यहाँ पर आ जाता है इस वाले भाग में, यहाँ पर इसको कंठ बोलते हैं। तो कंठ में क्या होता है, वक होता है, रज्जू पाया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं तो वो एक तरह की हमिंग टाइप की निकलती है बोलने की, तो ये कंठ। अब उसके बाद आता है श्वास नली, ग्रसनी घुल जाती है इसमें कंठ में, है ना, और फिर श्वास नली आती है, श्वास नली घुल जाती है इसमें श्वासनी में। तो श्वास नली में देखिए कुछ इस प्रकार से छल्ले पाए जाते हैं। तो आपको मन में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि इसमें छल्ले क्यों होते हैं श्वास नली में। श्वास नली में छल्ले इसलिए होते हैं क्योंकि अगर जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कम हमारा ऑक्सीजन होता है तो उसके कारण जो पिचक ना जाए, ये जो नली है पिचक ना जाए। अगर ये नली पिचक जाएगी, ऐसी चिपक जाएगी बिल्कुल, तो चिपक जाएगी तो फिर हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। तो ये छल्ले यही कार्य करते हैं कि जो हमारी जो नली है वो चिपके ना, मतलब कि गोल आकार की बनी रहे, है ना, चाहे उसके अंदर ऑक्सीजन हो या ना हो, बस ऐसी बनी रहे गोल। तो इसलिए ये छल्ले होते हैं, उपास्थि के छल्ले बने होते हैं। और ये उसके बाद यहाँ पर ये जो श्वास नली है, श्वासनी, ये दो भागों में बट जाती है, दो फेफड़े हैं हमारे, तो उसमें बट जाती है ये। अब ये जो बटने के बाद यहाँ पर शाखाओं में बट जाती है, बहुत सारी शाखाएँ जैसे पेड़ की शाखा बट जाती है ना बढ़ते हुए, तो इसी प्रकार से ये शाखा पूरी फैल जाती है फेफड़े के अंदर। अब प्रत्येक शाखा से किसका निर्माण हो जाता है, यहाँ पर प्रत्येक शाखा से हमें वायु कोश का निर्माण हो जाता है। ये जो शाखा है ऐसे बढ़ जाती है, जैसे अंगूर हुआ, अंगूर की जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उस तरीके से बढ़ जाती है, ऐसे आप बता सकते हैं। वायु कोश होता है, ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं हम वायु कोश, यहाँ पर वायु का रुकना, वायु कोश। जैसे मूत्राशय होता है ना, मूत्र का आशय, तो उसी प्रकार से वायु कोश यानी वायु का रुकना। अब यहीं से वायु कहाँ पर पहुँच जाती है, हमारी रुधिर द्वारा, जो रुधिर होता है रक्त, उसी के द्वारा पहुँच जाता है हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन। अब कौन सी कोशिका में चला जाता है, तो कोशिका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में चला जाता है वायु, हमारा शुद्ध वायु।
अब बात आती है हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे निकलती है, CO2। तो वो भी इसी प्रकार से निकलती है जैसे कि हमारी जो ऑक्सीजन पहुंच जाती है कोशिकाओं में, तो कोशिकाओं में ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसी के द्वारा आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 होती है गैस, वो आ जाती है। और वो कहाँ पर आ जाती है, वायु कोश में आ जाती है, फिर उसके बाद यहीं से निकलती है। जिस प्रकार से ये क्रिया हो जाती है वायु आने की और फिर किस प्रकार से बढ़ने की, तो वैसे ही क्रिया इसका उल्टा हो जाता है CO2 का निकलना और फिर बाहर निकल जाना नशा मार्ग द्वारा। श्वसन में डायाफ्राम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है, जो कि डायाफ्राम बहुत बहुत भूमिका निभाता है इसमें श्वसन में। ये है यहाँ पर डायाफ्राम, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर यही है डायाफ्राम। तो श्वसन क्रिया कुछ हमारे शरीर में इस प्रकार से होती है, तो जो कि मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आओगी, पसंद है तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें।